पांच साल नवजोत सिंह सिद्धू की शह के उत्ते गुंडागर्दी की इन्हें हुण ताज़ा ताज़ा तुहाडी पार्टी का शिंगार बनिया आम आदमी पार्टी वालिया ने इन्हूं अपने नाल शामिल किया। के कॉल डिटेल कढ़ाउणी चाहीदी है कि एस एच ओ नाल कल दोषी की किन्नी वारी गल हुई किन्नी उहदी उहदे नाल गंढ तुप सीगी उहदी शह दे उत्ते एस एच ओ दे उत्ते कतल होया। तीन बच्चे ने छोटे छोटे दस ग्यारह साल की इहदी बेटी है छे ते अठ साल दे बच्चे ने अपने फादर दे मूंह दे विच लाश चो घिओ पा रहे सीगे। साथियों 24 घंटे दे विच विच अमृतसर दे विच तीन कतल हुंदे ने। एक कतल छाटा साहब लागे को बंदा गुरद्वारे जा रहा अपनियां छोटियां छोटियां बच्चियां दे नाल ते उहनूं मार दित्ता जांदा। एक कतल शहर दे विच किसे दे घर दे विच वड़ के एक औरत नूं मार दित्ता जांदा। और उस तों पहलां आ 100 फुट्टी ते अमृतसर दे विच मैं खड़ा एक कतल इत्थे हुंदा इस बिल्डिंग दे झगड़े करके इस दुकान दे झगड़े करके ओ दो घटनावां अचनचेत कहीं जा सकदियां ने। कोई क्रिमिनल बंदा आया पुलिस नूं पता नहीं लगा पर जिहड़ी इत्थे मौत हुई है कल जिहड़ा इत्थे गोलियां मार के मारिया गया ये सीधा सीधा पुलिस की अणगहली दे नाल पुलिस की देख रेख दे विच ये कतल होया। तो मैं कह सकदा कि जिहड़ा इलाके का एस एच ओ है उन्हें कतल कराया। मरन वाले बंदे ने कई शिकायतां थाने दे विच कई महीनों तो कर रहा सीगा कि मेरा इन्हां बंदियां नाल झगड़ा है मैनू ये तंग परेशान कर रहे ने इन्हां दी मनशा ये है। और कल भी जदों ये झगड़ा चलिया एक को दो तीन मिनट का झगड़ा नहीं सी कि दो तीन मिनट दे विच झगड़ा हो जाता एक घंटा जिहड़ा झगड़ा चलता रहा। और इस बंदे ने कई फोन एस एच ओ नूं कीते कि इत्थे तुसीं आओ इत्थे बंदा मर जाणा है। उन्हां लोकां ने शरेआम हथियार मंगवाए ने और शरेआम बंदा जिहड़ा पिस्तौल लैके अपने दूजे बंदे नूं दे रहा। इन्ने फोन करन तों बाद भी इत्थे एस एच ओ नहीं आया फिर इहने कहा कि इत्थे बंदे बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए ने इहनां नूं आ के तुसीं कंट्रोल कर सकदे हो नहीं तो इत्थे बहुत वड्डी वारदात होनी है। एस एच ओ अगों करी जा रहा नूं फोन दे उत्ते कोई गल ही नहीं कोई गल ही नहीं। छे बंदे पीसीआर दे इत्थे सीगे और दुख मैनू की लगा लख लानत है यार इहोजी पुलिस दे उत्ते। छे मुलाजम इत्थे पीसीआर दे सीगे एक दे कोल स्टेन गन सीगी और लख लानत है उन्हां दे उत्ते। उन्हां दी देख रेख दे विच फिर कतल हो जांदा उह बंदे नूं गोलियां मार के मार दित्तियां जांदियां। गुरप्रताप सिंह राजा नां दा बंदा जिहड़ा इत्थे मारिया गया और जिस बंदे नूं उहनूं गोलियां मारियां उस बंदे नूं जिहड़ा दोषी सीगा उदों पुलिस उहनूं मौके दे उत्ते फड़ लैंदी है। ते मैं इहनां नूं कहना चाहुंदा कि जे उहनूं पहलां फड़ लैंदे ते ये बंदा मरदा ना। तुसी मूक दर्शक हो के इहदा सारा तमाशा वेखदे रहे फिर बंदा तुहाडी गलती नाल मरिया अपनी गलती मन्नण दी जगह दे उत्ते अपनी पिठ आप ही थापड़ रहे भी असी बंदा फड़ लिया। इहदे विच मैं थोड़ियां पहलियां जिहड़ियां घटनावां उहदे उत्ते चानणा पाउणा चाहुंदा जो इलाके वालिआं ने मैनूं दस्सिया कि पुलिस नाल किवें गंढ संढ सीगी एस एच ओ दे नाल सारी पुलिस नूं किवें उहने गंढिया सीगा। 13 जनवरी लोहड़ी वाले दिन एस एच ओ दा जन्मदिन सीगा इस इलाके दे विच को बंदा फायर करदा फायर दे खोल जिहड़े पुलिस नूं बरामद हुंदे आ पुलिस नूं शिकायत कीती जांदी आ एस एच ओ इत्थे आउंदा उस बंदे दे उत्ते परचा देण दी बजाए रात नूं उहनां दे नाल अपना जन्मदिन मनाउंदा उहदे नाल अपने केक कटदा। आ पुलिस की जिहड़ी मिली भुगत सी इहनां दे नाल और जिहड़े बंदे ने बंदे नूं मारिया जिहड़ा दोषी है लॉकडाउन दे दौरान आ एक वीडियो है मैं नाल ही अपलोड कर दूंगा उहदे उत्ते उस दौरान भी वह पुलिस वाले की एक साल्ट खो रहा बार बार झगड़े करने और एक दिन एक फिर पुलिस वाले दे गल पै रहा इलाके दे विच झगड़ा हो रहा ते जे थानेदार ने उन्हूं फड़ के जेल दे विच बंद किया वालात दे विच और बंदे की गंढ तुप वेखो उहदे मदर काउंसलर ने उहदी गंढ तुप पुलिस ना वेखो कि जेड़े एस एच ओ ने हिम्मत की उन्हूं फड़ के अंदर देण दी गालां खाण तों बाद उस बंदे नूं फड़ के एस एच जिहड़ा ए एस आई है उन्हूं लैन हाजिर कर दिता जांदा। आ साडी जिहड़ी न्याय व्यवस्था मैं भगवंत मान होणा नूं कहना चाहुंदा उन्होंने एक दिन कहा सीगा कि जे किसे इलाके दे विच को घटना वापरदी है उहदा जिहड़ा जिम्मेवार आ उह जिहड़ा एस एच ओ आ जां जिहड़ा इंचार्ज आ जिहड़ा एस एस पी आ उहनूं वी नाल दोषी ठहराया जाऊगा। ते हुण खाना पूर्ति करन लई जो पुलिस आम दिनां दे विच करदी है आम गल्लां दे विच एस एच ओ नूं सस्पेंड कर दिता
और उदे सस्पेंड होने तो बाद सानू भी पता एक महीने दे वेच वेच उन्हें बहाल हो जाना वा उन्हें दोबारा कितने ना कितने लग जाना वा एहो जे गैर जिम्मेदाराना लोगों नू पुलिस च रहण दा हक नहीं है। और मैं पुछना चाहना मैं हैरान हाँ पुलिस दे उत्ते कि एक नॉन ट्रेंड बंदा जिहदे कोल पिस्टल है जिहनू चलाउणा आउंदा कि नहीं आउंदा उहनू तुसीं मौके दे उत्ते काबू नहीं कर सके ते जे कोई क्रिमिनल आउंदे आ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਖਡਾਉਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਲੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣੋ ਕੋਈ ਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਵੇਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀ ਤੂੰ ਚਲਾਤੀ ਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ SHO ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ SHO ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਤਰਲੇ ਕੱਢ ਰਹੇ SHO ਦੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਹੀਨੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਂਦਿਆਂ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਫੜਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਖਲੋਤਾ ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਚਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਕਿ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਕਢਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ SHO ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ SHO ਦੀ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਬੀਡੂ ਜੰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਲਟਾ ਇੱਥੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਤੇ ਗੁੰਡੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਕ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵੇਖੋ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 10-11 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ 6 ਤੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਚੋ ਘਿਓ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 424 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ 424 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿਆ ਕਰਨ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਅਖਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਸ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ 3-4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗਵਾਂਢ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਦੋਂ ਹੈ ਉਦੋਂ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੋਵ੍ਰਿਤੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੂਮ ਵੇਖਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੂਮ ਵੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੀ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁੰਡਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਡਰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ
जेडे गुंडा अंसर ने उन्हां दे मगर हजूम क्यों कट्ठे होंदे आ। यूथ साडा बेरोजगार है और उन्हां नूं फॉलो करदा जो उन्हां गुंडियां दे करके लोग धरने लाउंदे ने, उन्हां गुंडियां दे करके उन्हां दीआं जिहड़ियां माड़ियां कारवाइयां ने उन्हां नूं उत्साहित करदे ने, ते साडी वी पुलिस दा जिहड़ा किते ना किते बहुत जिहड़ा मनोबल है डिगदा वा, क्योंकि पॉलिटिशियन ते जिन्ने सरकारां चलाउंदे आ ना इन्हां नूं सिर्फ अपनियां वोटां दे नाल मतलब है कि जिहड़े बंदे कोल ज़्यादा वोटां है ओदी इन्हां राखी भी करनी है, ओदे जायज़ नजायज़ कम्मां दे उत्ते पर्दा भी पाउणा है। ये बंदा काउंसलर सीगा, शर्म आउणी चाहीदी आ यार। काउंसलर दा काम ते हुंदा लोकां दे मसले सुलझाउणा, ना कि लोकां नूं गोलियां मारनियां। और मैं मान साहब तुहानूं ये दसणा चाहुंदा कि बंदा पहला कांग्रसी सीगा, 5 साल नवजोत सिंह सिद्धू की शह के उत्ते गुंडागर्दी की इन्हें, हुण ताज़ा तुहाडी पार्टी का शिंगार बनिया, आम आदमी पार्टी वालिआं ने इहनूं अपने नाल शामिल किया। मैं बड़ी वारी कहा कि जिहड़े लोग अकाली कांग्रसी रहे, जिहड़े गुंडा अंसर ने, उन्हां दा डीएनए तो नहीं ना चेंज हो सकता, वो तुहाडी पार्टी च आ के को दुध धोते नहीं हो जाने। ये लोग पहला भी इहो जिहे काम करदे सीगे, हुण तुहाडे नाल आ के तुहाडी पार्टी की शह के उत्ते वो अगे जे लड़ाइया झगड़े करते सीगे ते हुण कतल करन तक गए। मैं सारिया पार्टियां नूं कहना चाहुंदा कि काउंसलर दीआं इलैक्शनां, एमएलए दीआं इलैक्शनां, ये लोग वेंदे ने कि गुंडा किहड़ा, गुंडिया नूं यूथ ज़्यादा फॉलो करता, ये टिकटां भी चुन के उन्हां नूं दिंदे ने जिन्हां लोगों के मगर हजूम हुंदा। ये नहीं वेंदे भी उहदा करैक्टर किदां दा, उहने माड़े चंगे काम तो नहीं किते। मैं मान साहब तुहानूं एक गल कहनी चाहुंदा, रोज़ हिमाचल जांदे हो तुसीं प्रचार करन वास्ते, उत्थे तुसीं बड़ा दस रहे हो कि पंजाब दे विच करप्शन फ्री हो गया, पंजाब च गुंडागर्दी फ्री हो गई, किते हिमाचल वालिआं नूं इह वी दस दिओ, उहनां नूं दो ऑफर उत्थे भी साडे ते बंदा ऐ ही मार मूर दिंदे साडे पार्टी वाले, जे को बंदा बंदा हिमाचल दे विच मराउणा ते सानूं दसो। मतलब इहो जिहियां जिहड़ियां तुहाडियां करीतियां ने इहदा प्रचार भी करदे हो उत्थे जा के। पंजाब सेफ नहीं है, कल्ले कल्ले बंदे कोल व्यापारी कोलों गुंडे फरौतियां मंगदे ने, वह बच्चे स्कूल भेजदा जिन्ना चिर वापस किसी का बच्चा घर नहीं आउंदा, माँ बाप के मूँह के उत्ते सहम रहिंदा जिहदे कोल 4 पैसे हैगे ने भी पता नहीं मेरा बच्चा राह चों नहीं चुक्या जाणा। सो मेरी एक बेनती है तुहानूं हत्थ जोड़ के, मेरा किसी पार्टी नाल कोई लेना देना नहीं, इस पंजाब का सका मैं जरूर हाँ कि पुलिस नूं अख्तियार भी दो, पुलिस की जिम्मेवारी भी तय करो, तो जे कुताही करते हैं तो इन्हों सब तो पहला सस्पेंड ना करो, उस एस एच ओ उत्ते परचा दो, तो उन्होंने भी पता लगे भी मैं पब्लिक की सुनवाई किस तरह करनी आ, पब्लिक के उत्ते धक्का नहीं करना, तो गुंडिया के खिलाफ जो मैं मौका मिलया मैं कार्रवाई भी करनी आ। दूजा इस सूबे दे विच किसे कोल रोटी कमाउण लई पैसे हैगे जां नहीं हैगे, असी लोग इस साडी मनोदशा इहो जी सैट हो गई, फुकरे बन चुके हैं कि पछताओ लेना बड़ा जरूरी है। जिन्ने हुण तक लसेंस दिते लोगों नूं उन्हां सारिआं दी सक्रूटनी कराओ, उहदी जांच कराओ, जिहड़े बंदे इहो जिहे ने उहनां दे लसेंस कैंसल करो, इन्हां चीज़ां दे उत्ते कार्रवाई करो, गुंडागर्दी दे उत्ते कोई पॉलिसी बनाओ। मैं लोगों नूं भी अपील करदा कि कल्ले पुलिस दा काम नहीं हैगा गुंडागर्दी नूं नत्थ पाउणी, पुलिस जे चंगा काम करे तो उन्हूं एप्रीशिएट करो, उहदी तारीफ करो, तो जे माड़ा काम करदी आ तो इकट्ठे हो के नक चों धुआं भी कढ दिओ। तो मैं लोगों नूं कहिंदा माड़े बंदियां दा विरोध करो, एकजुट होवो, भावें वह चोणां च खड़ा होवे, भावें वह गंदा व्यापारी होवे, भावें वह कोई किसी भी कारोबार नाल जुड़िया होवे, जे को बंदा गंदा वा उहदा बाइकाट भी करो, उहदा विरोध भी करो, नहीं तो इस गुंडागर्दी नूं नत्थ नहीं पै सकदी। अज ये मरिया कल नूं साडे तुहाडे घर चों वी कोई मर सकदा वा, ये तमाशा ना वेखो भी कल्ला संस्कार ते चले जाणा। ये कल्ले कल्ले पंजाबी नूं लड़ाई लड़नी पैणी आ गुंडागर्दी दे खिलाफ, ये कल्ले कल्ले पंजाबी नूं जे चुणे होए नुमाइंदे इहो जे काम करदे ने ते फिर बाकी लोग तुहाडा की लिहाज करनगे। सो मैं ये कह के इस सफाई दे विच मत करो एक दूजे की, अग किसे दे घर तक भी आ सकती आ। मैं ये चार लैणा कह के समाप्ति कर लगा और आस करदा कि सरकार दोषियों नूं सख्त तो सख्त सजावां दूगी, जिदा यूपी दे विच दोषियों दीआं जायदादां कुरक करन ते जांदी आ सरकार, इसे तरीके इत्थे भी ये काम करना शुरू करूगी ते तां गुंडागर्दी नूं नत्थ पै सकदी आ। मैं अखीर च लोकां नूं कहिंदा कि एक दूजे का सहारा बनो, इस तो वड्डा सहारा कोई नहीं हो सकदा। मैं चार लैणा कह के समाप्ति कर लगा कि जलते घर को देखने वालो, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। सो एक मुठ हो, एक दूजे दे नाल साथ दो और गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़ो। धन्यवाद।
ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜੂਗਾ ਸਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਭੇਜਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਆ ਜਾਤੀ ਕਰਦਾ ਆਉਂਦਿਆ ਵਾ, ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ, ਬੜਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ, ਬੜਿਆ ਜੇ ਐਸ ਐਚ ਓ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ, ਬੜਿਆ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਬੜਿਆ ਜੇ।